बोकारो पुलिस ने गोली चलाकर दहशत फैलाकर रंगदारी मांगने के जुर्म में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। ये चारों अपराधी 1 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे के करीब बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतुलिया में बोकारो के प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर इरफान अंसारी अपने अस्पताल से घर लौटने के दौरान उनके वाहन पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागे थे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने इन चारों अपराधियों को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT टीम गठित कर तथा तकनीकी सहायता की मदद से लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस अपराध में शामिल कुल 6 लोगों में अली रजा, फैजान अली, साहिद हुसैन तथा मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरार चल रहे 2 अपराधी शादाब और मोहम्मद मुजम्मिल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना का उद्भेदन करते हुए CT DSP कुलदीप कुमार ने बताया कि इन चारों अपराधियों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को स्वीकार किया है। दिनांक 1 अक्टूबर को रात्रि करीब 9:30 बजे डॉक्टर साहब चास स्थित मुस्कान हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे थे, तो उसी रास्ते में तेतुलिया गांव पड़ता है जो उनके डॉक्टर साहब के घर से कुछ ही दूरी पे है। यहां पे कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा उनके अपने निजी वाहन इनोवा कार पे गोलीबारी की गई थी, जिसमें उनके गाड़ी पे 5 गोली चलाई गई थी। इस पूरे प्रकरण और घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। उस SIT के द्वारा लगातार छापेमारी और गुप्त सूचना का संकलन किया जा रहा था। इस घटना का उद्भेदन करने में तकनीकी शाखा का भी सहायता लिया गया और मानवीय सूचना और तकनीकी सबूतों के आधार पर कुछ अपराधकर्मियों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट हुई थी, और जिसमें कि उस अपराधकर्मी को हम लोग सत्यापन करते हुए गिरफ्तार किए और उससे पूछताछ किए, तो उन्होंने अपने अपराध की स्वीकार किए और कई अपराधकर्मी के शामिल होने की बात बताए, जिनमें से 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से अली रजा, फैजान अली, साजिद हुसैन और मोहम्मद दानिश अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अपराधकर्मी राज्य से बाहर के भी हैं, जिनका बोकारो में लगातार आना जाना पहले भी लगा रहता था। उसमें से एक मोहम्मद दानिश जो जमुई ज़िला का रहने वाला है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और अली रजा जो माराफारी क्षेत्र आज़ाद नगर का रहने वाला है, फैजान अली जो आज़ाद नगर माराफारी का ही रहने वाला है, साजिद हुसैन भी आज़ाद नगर माराफारी का रहने वाला है। इन सारे अपराधकर्मियों के द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र का रचना करते हुए दहशत फैलाकर रंगदारी मांगने का उद्देश्य के तहत ये पूरा घटना को कारित किए हैं, और इसमें अन्य अपराधकर्मी भी शामिल है जिनका नाम भी स्पष्ट हो गया है और उनकी भी छापेमारी की जा रही है, और हम लोग अन्य सभी तरीके से हम लोग इसका गिरफ्तारी करेंगे, जिसमें से एक शादाब साहबी जो जमुई का रहने वाला है और एक मोहम्मद मुजम्मिल जो आपस में रिलेशन में भी एक दोनों है और दोनों जमुई का रहने वाला है। छापेमारी की गई थी लेकिन वो लोग फिरार पाए गए। इसके द्वारा कौन प्लानिंग किया था? शादाब साहबी, मुजम्मिल और मोहम्मद दानिश, ये तीनों जमुई से घटना से 3-4 दिन पहले बोकारो आए और ये लोग पूरी एक टीम का गठन किया आपस में, और ये लोग आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए गोलीबारी कर दहशत फैलाने का एक प्लान तैयार किया, और जिसमें कि पूरी तैयारी का उद्भेदन हुआ है, किस प्रकार से रेकी की गई है और डॉक्टर साहब किस रूट का अनुपालन रोज करते थे, उस रूट का पूरा रेकी किया गया है, कहाँ रुकते थे, कहाँ किस प्रकार से उनकी गतिविधि होती थी, सारी चीज़ का रेकी करके इन लोग पूरे प्लान किए थे। पुलिस इन सभी के अपराधिक इतिहास का भी पता लगा रही थी। इनमें से 3 अपराधी बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र अंतर्गत के रहने वाले हैं, वही 3 अपराधी बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दहशत फैलाकर रंगदारी मांगने की नीयत से यह साजिश रची गई थी, जिसके लिए इन लोगों ने रेकी की थी। अगर यह लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद यह लोग और भी कई अपराध को अंजाम देने की योजना बनाते रहेंगे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और एक रेड कलर की बाइक भी बरामद की है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट।